प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के बंधुओं का, विशेष रूप से जो प्रिंट मीडिया से हूं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हूं, सभी का हम स्वागत करते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है, ये विशेष रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात होती है, इस महीने जो 30 अप्रैल को उनकी मन की बात का कार्यक्रम रहेगा, ये 100वां एपिसोड जो प्रधानमंत्री जी की मन की बात का है, और उसी निमित्त आज हमारे प्रदेश के महामंत्री जम्मू कश्मीर भाजपा यूटी के विभूत गुप्ता जी हमारे आप सबके समक्ष हैं, जो कि मन की बात के प्रदेश के इंचार्ज भी हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय विभूत गुप्ता जी से कि कृपया वो प्रेस वार्ता शुरू करें। धन्यवाद संजय जी, आप सबका आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम सीधा 135 करोड़ लोगों से जुड़ने का सीधा एक माध्यम है, लोगों के दिलों को छूने का एक माध्यम है, और 135 करोड़ लोग सीधे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से जुड़ते हैं। ये कार्यक्रम मोटिवेशनल है, नॉन पॉलिटिकल है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कोई भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करते, कोई वोटों की बात नहीं करते, देश की बात करते हैं। देश के अंदर दूर दराज के इलाकों के अंदर तो जो अच्छे काम जिन्होंने किए हैं उनको गिनवाते हैं, मोटिवेशनल बात करते हैं, जिससे कि हमारे देश के युवाओं को, महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, सबको, किसानों को, मजदूरों को मोटिवेशन हो अपने काम के अंदर, और अपना काम अच्छे से करें, बढ़िया से करें। पिछली बार हम सब ने देखा कि पिछले मन की बात के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने दो बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि भद्रवाह के जो किसान हैं, उनको खेती के करने में उनको लगता था कि हमें जितनी जमीन हमारी उसमें आती है, जितनी हम मेहनत करते हैं, उतनी हमारी इनकम नहीं होती। तो उन्होंने एक विचार किया और लवेंडर जो एक फ्लावर है वो लगाया, और लवेंडर जो उन्होंने फूल की खेती की, उस फूल की खेती में उनको जो वो रूटीन के अंदर उनकी जो इनकम थी उससे कई गुना ज्यादा उनकी इनकम बढ़ गई, और भद्रवाह के किसान जो है आज हर किसान लवेंडर की जो है वो खेती कर रहा है। वो जो बात उन्होंने कही वो देश के 135 करोड़ लोगों को बताया और देश के किसानों को बताया कि हम जमीन को देखें कि हमारी जमीन क्या उगा सकती है, हमारी जमीन में क्या अच्छा हो सकता है, और वैसा ही किसान उस जमीन के अंदर खेती करे जिससे उनकी इनकम की आय जो है बढ़े। दूसरी बड़ी बात उन्होंने नदरू की। उन्होंने कहा कि नदरू की मांग दुनिया में बढ़ रही है, देश के साथ साथ नदरू की मांग, वो एक ऐसी डिश है, वो एक ऐसा हमारा व्यंजन है कि उसकी मांग पूरी दुनिया में हो रही है, और कश्मीर के अंदर हमारे किसान नदरू की खेती को लेकर एक अभियान चला रहे हैं, और हर किसान जो है नदरू की खेती की तरफ, जहां जहां नदरू हो सकते हैं वहां उस तरफ जो है वो लोग खेती कर रहे हैं। साथियों, अगर हमने देखा हो पल्ली की बात उन्होंने की, आज से 8 महीने पहले उन्होंने बताया कि पल्ली के अंदर एक किसान जो है उन्होंने शहद का काम किया, उन्होंने किस तरीके से शहद के काम को अपने बिजनेस बनाया और किस ढंग से वो उसके अंदर आगे बढ़ गया। साथियों, उससे पहले उन्होंने तरेवा की सरपंच जो है उनकी बात की, बॉर्डर के ऊपर रहने वाले तरेवा के जो सरपंच है उन्होंने किस ढंग से अच्छे काम बॉर्डर पे रहकर जो है सरपंच उन्होंने कोविड के अंदर जो काम किए। मेरी ये बातें कहने का मतलब इतना ही है कि इन मन की बात के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल बातें करते हैं। साथियों, इस 30 अप्रैल को एतवार है, और मन की बात का कार्यक्रम आखिरी एतवार सुबह 11 से 11:30 आधा घंटा होता है। इस 30 अप्रैल को 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं, एक बड़ी बात। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं होंगे जिन्होंने इस किस्म का काम कार्य शुरू किया हो, जनता से सीधा जुड़ने का कार्य शुरू किया हो। कोई 10 पे रुक गया, कोई 20 पे रुक गया, 100वां बिना ब्रेक 100वां एपिसोड मन की बात का है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर की एनजीओ है, जम्मू कश्मीर की धार्मिक संस्थाएं हैं,
जम्मू कश्मीर की हमारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी बार एसोसिएशन है, हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं, मैं सबसे आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस दिन जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह पर उत्सव की तरह मन की बात के कार्यक्रम को सुना जाए। इस 100वें एपिसोड को जम्मू कश्मीर के अंदर उत्सव के तौर पर मनाया है। भारतीय जनता पार्टी पोलिंग बूथ लेवल पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला है पूरे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि 100वें एपिसोड को हर पोलिंग बूथ पे 100 कार्यकर्ताओं के साथ, 100 हर विधानसभा में 100 पोलिंग बूथ, 100 कार्यकर्ता और 100 ही सेल्फी फोटो लेकर हमने अपलोड करने हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर से इस कार्य को जो है वो कर रही है, लेकिन आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को मैं जरूर कहना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा, क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बात होती है, वो सीधे देश के साथ जुड़ते हैं इस मन की बात के अंदर। इस मन की बात के अंदर कभी वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधन नहीं करते हैं, 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं। साथियों, इसके अंदर अगर हम देखें विज्ञान के अंदर, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कोई बढ़िया काम किया होता है उनके बारे में वो बात करते हैं। हमारी महिलाओं ने कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप में के अंदर, कर्नाटका की महिलाएं हो या केरला की महिलाएं हो या देश की किसी प्रदेश की महिलाएं हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर हमारी महिलाओं ने जो काम, क्रांतिकारी काम किए हैं, आगे बढ़ के उन्होंने काम किए हैं, उनकी बात वो करते हैं। हमने देखा कि खिलाड़ियों को लेकर वो कितनी बात जो है, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको लेकर मन की बात के अंदर वो बात करते हैं। G20 की बात जो है वो मन की बात के अंदर होती है, इसलिए मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब मन की बात के कार्यक्रम के साथ जुड़े। 30 अप्रैल को 11 बजे से 11:30 के बीच में 100वें एपिसोड में हम उसके भागी बने। मैं ये मान के चलता हूं कि दुनिया के अंदर ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी टीवी के अंदर जो मन की बात का कार्यक्रम है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सुना जाता है। दुनिया के अंदर अगर कोई कार्यक्रम सबसे ज्यादा सुना जाता है, मैं कहता हूं कि रामायण महाभारत के बाद अगर कोई तीसरा कार्यक्रम देश के अंदर जो है सुना जाता है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम सुना जाता है। मैं आखिर में आपके द्वारा इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस भव्य जम्मू कश्मीर के अंदर इस मन की बात को एक भव्य कार्यक्रम बनाए, एक उत्सव की तरह बनाए, ताकि पूरी दुनिया के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों की चर्चा हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बहुत दिल से जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के साथ। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर ने जो डेवलपमेंट देखी, डेवलपमेंट एरा देखा, हमने देखा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दिशा निर्देश के ऊपर माननीय नितिन गडकरी जी ने कितनी कितनी बड़ी घोषणाएं की। अमरनाथ गुफा के लिए उन्होंने कॉरिडोर की घोषणा की, हमारे वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के लिए उन्होंने केबल कार की जो है घोषणा यहां पर की, राजौरी और पुंछ के साथ लगते हुए मुगल रोड के अंदर मुगल टनल की 6000 करोड़ रुपए की घोषणा जो है उन्होंने की, एक्सप्रेस वे जो है वो जहां पर जो दिल्ली से माता वैष्णो देवी तक बनने जा रहा है। अगर हम बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी गरीबों की मन की बात को समझते हैं, उनको लगता है कि भाई गरीब लोग जो है इलाज नहीं कर पाते थे, 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना के तहत हर गरीब 5 लाख रुपए तक का जो है वो उसमें इलाज जो है वो करवा सकता है। आखिर में मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, भागी बने और भव्य कार्यक्रम हम करें।